हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं फ्रेश को और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में ग्रोसरी करने में कितना खर्चा आता है और फूड आइटम्स के क्या क्या प्राइजेज है कनाडा में। अगर हम लोग बात करें, एवोकाडो $4 का है, मैंगोज $1 का है, उसके साथ फ्रूट्स काफ़ी सस्ते हैं, $3 से $4 के बीच बीच में आ जाते हैं, जैसे कि पीच हो गया एंड ऑरेंजेस हो गए, $2 से $3 के बीच में आ जाते हैं। तो फ्रूट्स काफ़ी सस्ते हैं, तो फ्रूट्स ज़रूर खाइए बिकॉज इससे आपके बॉडी में जितने माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी क्वांटिटी में होंगे, जिससे कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो वो शुरू हो जाते हैं 99 सेंट से लेकर $4 से $5 तक, डिपेंड करता है वो ब्रोकली है, स्पिनेच है, कैबेज है। अब जैसे कि एप्पल की बात करें, एप्पल मेरे सबसे फेवरेट है यहाँ पर, तो वो आपको $2 से $3 के बीच बीच में मिल जाएंगे अच्छी क्वांटिटी में। अगर आप लोग को एप्पल नहीं पसंद तो आप लोग पियर भी खा सकते हो, पियर आपको $2.50 के आसपास तक मिल जाते हैं। अगर बात करें ड्राई फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स मुझे यहाँ पर बड़े सही रेट में लगे बिकॉज यहाँ पर $10 तक मैक्सिमम आपको एक बॉक्स पूरा मिल जाता है ड्राई फ्रूट्स का, जो कि काफ़ी लंबा चलता है। अब ब्रेड्स की कनाडा में बहुत सारी वैरायटी है, यहाँ पर ये पूरा ब्रेड्स का सेक्शन है जो कि शुरू हो जाता है 1.97 से अराउंड $4-$5, डिपेंड करता है उसमें क्या क्या है, होल वीट है या फिर सिर्फ मैदे वाली है तो वो सस्ती होगी होल वीट। अब जो उनसे ये वाली ब्रेड है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादातर यही खाते हैं, होल वीट होती है और टेस्टी भी होती है काफ़ी। सेकेंडली ये वाली भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यूज़ करते हैं, ये है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री की होल वीट ब्रेड जो कि 1.97 की है। अब बात करते हैं मेन फूड आइटम की, जो कि आटा, जो कि शेयर कंपनी का है, आशीर्वाद। आशीर्वाद अराउंड $17 का है एंड शेयर आटा है $15 का। एंड गाइस पीनट बटर मेरा सबसे फेवरेट है, ये मुझे $9 में 2 kg का बॉक्स मिलता है। एग्स की बात करें तो एग्स आपको मिलते हैं $3.29 में 12, जो कि मैं लेने वाला हूँ। तो गाइस इसको सबसे पहले ट्रे में रख लेते हैं ताकि मैं इसको कम्फर्टेबली होल्ड कर पाऊँ एंड साथ में व्लॉगिंग भी कर पाऊँ। अगर बात करें मिल्क की, अगर आपको लो फैट लेना है तो वो है 5.39, अगर आपको फुल क्रीम वाला मिल लेना है जो है रेड वाला, वो आपको मिलता है 6.39 में। अगर गाइस चिकन की बात करें तो चिकन है $12 का 1 kg, मैंने अभी तक लिया है पीनट बटर, एग्स एंड साथ में लूँगा मैं एक आटे की थैली शेयर ब्रांड की। सो गाइस ये सारा सेक्शन है कॉर्नफ्लेक्स का, जिसको कि आप एज अ स्नैक मील ले सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट ले सकते हो एंड इसकी प्राइस $4 से लेकर $8 तक है, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो गाइस अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी यहाँ पर शुरू हो जाती है $6 से लेकर, जो कि नेस्कैफे का एक छोटा डब्बा, टू अराउंड $19.99, जो कि एक टिम हॉर्टन्स का बड़ा डब्बा। अगर आप लोग मैगी और नूडल्स के शौकीन हो तो वो यहाँ पर सबसे सस्ता है, अराउंड 55 सेंट्स का एक नूडल का पैकेट मिलता है। सो गाइस ये सारा सेक्शन है जंक फूड, जो लोग लेज कुरकुरे ये सब कुछ खाने के शौकीन है वो यहाँ पर $3 से $3.50 शुरू हो जाते हैं। ये गाइस सारा सॉफ्ट ड्रिंक का सेक्शन जो कि काफ़ी सस्ता है $4 का। एंड ऑल्सो गाइस जो से आप लोग बड़ी बड़ी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल देख रहे हो, ये जो से कोला की बोतल है ये $1 की है पूरी एक बड़ी। अगर कैचअप की बात करें तो कैचअप $4.50 की एक बॉटल है। अगर अचार की बात करें तो अचार $4.50 से लेकर $6 के बीच बीच में आपको हर वैरायटी का अचार मिल जाएगा यहाँ पर। अगर वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड का सबसे सस्ता है वो $5 से शुरू हो जाता है एंड सबसे महंगा वो जाता है अपना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि है अराउंड $10 का, बिकॉज वो उसमें होता है अनसेचुरेटेड फैट जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें जब भी आप लोगों को कुकिंग करनी है। एंड मैं अभी जा रहा हूँ घर, मुझे मेन ये 3 चीज़ें लेनी थी बिकॉज बाकी सब कुछ घर पर है, बट ये एग्स पीनट बटर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सो गाइस ये तो होगी बात की फूड आइटम्स की क्या क्या प्राइस है कनाडा में, बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एक स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है ग्रोसरी करने में एक हफ्ते का। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि कई लोग ज़्यादा हाई क्वालिटी फूड आइटम को अफोर्ड करते हैं या फिर कई लोग ज़्यादा जंक खाते हैं तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। बट अगर हम एवरेज लेकर चले तो एक स्टूडेंट का अराउंड $30 to $50 आ जाता है खर्चा एक हफ्ते का। तो अराउंड मंथली $150 से $200 में आप लोग अच्छा हाई क्वालिटी फूड खा सकते हो यहाँ पर कनाडा में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और आप लोग और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और सीधा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।